कल हमने दोहरा नकारे दो और तीन के दौरान पूरे कविता के कौन सी कविता है बच्चों को स्वतंत्रता का मूल्य, इस कविता का जो भी अभ्यास कार्य है सभी अभ्यास कार्य को मैंने बोर्ड पर लिखाकर समझाया है आपको। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, और एक नया पाठ पढ़ेंगे जिस पाठ का नाम है बहुमूल्य पत्थर। क्या है बच्चों पाठ का नाम? बहुमूल्य पत्थर। बहुमूल्य पत्थर किसे कहते हैं हम? बहुमूल्य का मतलब है बच्चों वैल्यूएबल, वैल्यूएबल स्टोन कहते हैं, अनमोल पत्थर कहते हैं हम। तो बहुमूल्य पत्थर पाठ के दौरान क्या दिया गया है, कौन सी कहानी है, इसके बारे में जानेंगे बच्चों। चलो बच्चों आज का पाठ शुरू करें बहुमूल्य पत्थर कहानी के साथ। एक बार एक जगह तीन मित्र मिले, उनमें एक राजकुमार, दूसरा एक विद्वान का पुत्र तथा तीसरा एक धनी व्यापारी का पुत्र था। एक जगह क्या हुआ बच्चों, एक दिन तीन मित्र मिले एक जगह, उन तीनों मित्रों में एक राजकुमार का पुत्र था, एक विद्वान का पुत्र था और एक धनी व्यापारी का पुत्र था। तो राजकुमार का पुत्र मालूम है आपको, राजा का पुत्र राजकुमार, और जो विद्वान रहता है उसका पुत्र है वो, और धनी व्यापारी, धनी व्यापारी का मतलब जो रिच रहते हैं ना, जो व्यापार करते हैं, उनका एक पुत्र था। उसने तीनों मित्र एक जगह पर मिले। ये तीनों युवक बहुत ही आलसी थे, जो किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करना चाहते थे। तीनों बहुत ही लेजी थे बच्चों, बहुत तीनों भी क्या थे, बहुत ही आलसी थे और किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करना चाहते थे वो तीनों। वे बिना किसी चिंता के अपने जीवन को मौज मस्ती से जी रहे थे, उनको कोई भी चिंता नहीं थी। आराम से उनके पिताजी के घर में रहते हो, तो सारे बच्चे अपने पिताजी के घर में रहते, फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत ही जरूरी है बच्चों। लेकिन तीनों में कुछ भी जवाबदारी बोलते हैं ना, करना रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं था, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी और आराम से अपना जीवन बिता रहे थे, मौज मस्ती से बिता रहे थे। उन तीनों के पिता अपने अपने आलसी पुत्रों से प्रसन्न नहीं थे। उन तीनों पिता जो विद्वान है, जो व्यापारी है, जो राजा है, तीनों अपने पुत्रों से खुश नहीं थे, प्रसन्न नहीं थे वो। उन तीनों के पिताओं ने अपने पुत्रों को सुधर जाने के लिए सावधान किया। कोई भी पिता नहीं चाहता कि अपना बेटा सिर्फ आलसी बनकर रहे, सिर्फ बैठकर खाए। वो चाहते हैं कि वो भी कुछ कमाए और अपना जिंदगी अपने ऊपर निभाए, ऐसे चाहते हैं। लेकिन ये तीनों मित्र क्या है बच्चों, बहुत ही आलसी थे, किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करना चाहते थे। और इनके पिताओं ने क्या किया, अपने बच्चों को, अपने जो भी है पुत्रों को सावधान किया, सावधान किया उनको, अगर ऐसा होगा तो नहीं चलेगा। तो देखिए आगे क्या कदम उठाते हैं वो। फिर से जब तीनों मिले तो उन्होंने यही विचार विमर्श किया कि अपने अपने पिता के कहने के अनुसार अब उनके क्या, उनको क्या करना चाहिए। फिर से जब तीनों मित्र मिले, पहले जगह एक मित्र मिले थे, अब फिर से तीनों मित्र एक जगह मिले और अपने अपने पिताजी, मेरे पिता ने ऐसा कहा है, मेरे पिताजी ने ऐसे कहा है कि अब तुम भी कमाना शुरू कर दो, ऐसा नहीं चुके मुझ पर निर्भर नहीं होना है, ऐसे उनके पिताओं ने जो कहा था वैसे ही तीनों के बीच में चर्चा हो गई। चर्चा हो गई अब क्या करना है, जो पिताओं ने कहा है हमारे पिताओं ने उसके अनुसार हमको क्या करना है, ऐसे वो सोचने लगे तीनों मित्र। अब वे तीनों अपने पिताओं पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। पिताओं ने तो सावधान कर दिया था कि अब तुम लोगों को ऐसे आलसी बनकर नहीं रहना है, कोई ना कोई काम करना ही है। तो उन लोगों ने सोचा कि अभी हम अपने पिताओं पर निर्भर नहीं होंगे। इस कारण तीनों ने एक जगह बैठकर सोचा कि वे अब क्या कर सकते, क्या कर सकते थे। तो इस कारण तीनों ने बैठकर ये सोचना शुरू कर दिया, अभी हम क्या करेंगे, कहां जाकर वे अपने मन को परखे, इससे वे अपने जीवन के लिए खूब ढेर सारा धन प्राप्त कर सके। तीनों बैठकर सोचने लगे, अरे ऐसा कहां जगह मिलेगा जिसके, जहां पर हमें ढेर सारा पैसे मिले, जो हम बैठ कर खाए, जो जीवन भर हम जीवन में जीवन के हमें हम रह सके, ऐसे वो सोचने लगे। अतः धनी व्यापारी के पुत्र ने कहा कि उसने लोगों को कहते सुना था कि पहाड़ों में बहुमूल्य पत्थरों का खजाना पाया जाता है। तो धनी व्यापारी का पुत्र था, तो धनी व्यापारी का पुत्र कह लेगा कि मैंने सुना है कि लोगों को कहते हुए सुना है, उसे देखा नहीं है, लोगों को कहते हुए सुना है कि मैंने कहीं पहाड़ों पे, पहाड़ों का मतलब माउंटेन बोलते हैं, माउंटेन पर बहुमूल्य पत्थरों का खजाना, बहुमूल्य पत्थरों का एक ट्रेजरी है, खजाना है वहां पर, ऐसा उसने कहा। उसने कहा धनी व्यापारी
ऐसा सुनते ही राजकुमार ने कहा, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा है। तब तो हमें अवश्य पहाड़ पर चढ़कर उन बहुमूल्य पत्थरों को ढूंढना चाहिए। ऐसे सुनते ही राजा ने पुत्र राजकुमार ने कहा, अरे अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा है। आपको तो मालूम है राजा का पुत्र कैसा रहता है। राजकुमार बहुत ही आलसी, क्योंकि उसको कुछ काम नहीं रहता, आराम से क्या करता है, खाता है, आराम से उनकी सेवा करते हैं, पूरी सेवा करते हैं। इसलिए वो ऐसा सोच रहे, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा है। तब तो हमें अवश्य पहाड़ पर चढ़कर, हमें क्या करना चाहिए, अवश्य पहाड़ पर, मतलब पर चढ़कर क्या करना चाहिए, बहुमूल्य पत्थरों को ढूंढना चाहिए। जो अनमोल पत्थर है, अनमोल स्टोन है, वैल्यूएबल स्टोन है, उनको ढूंढना चाहिए, सर्च करना चाहिए। फिर हम उनको बेच कर धनी हो जाएंगे और अपने लिए एक अच्छा घर खरीद कर सुख का जीवन व्यतीत कर सकेंगे। फिर हम अपना हमको क्या करना, हमें क्या करना चाहिए, जो भी बहुमूल्य पत्थर हम ढूंढते हुए रहते हैं ना, अनमोल पत्थर को हम क्या करेंगे, बाजार में बेचकर धनी हो जाएंगे, बाजार में बेचकर रिच हो जाएंगे हम, और अपने लिए एक अच्छा घर खरीदेंगे। और अपने लिए एक क्या करेंगे, अच्छा घर खरीदेंगे उन पैसों से, और सुख का जीवन व्यतीत करेंगे, सुख का जीवन हम बिताएंगे, ऐसे राजा के पुत्र ने कहा। इस प्रकार राजा का पुत्र होने के कारण राजकुमार ने सुख देने वाली बातें सोची। तो राजा का पुत्र का सुख सुख से रहता है, इसलिए उसने सुख देने वाली बातें सोची उसने। अतः तीनों ने पहाड़ी रास्ते की ओर चलना आरंभ कर दिया। तो तीनों ने क्या किया, पहाड़ी रास्ते पर, जो पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, तो पहाड़ी के रास्ते पर चढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने, आरंभ कर दिया। मार्ग में उन तीनों को भयानक घना जंगल, नदी और नदी आदि पार करना पड़ा। मार्ग में उन तीनों को, मार्ग में उन तीनों को क्या करना पड़ा, भयानक जो भरे भरे रहता है घना जंगल, बोलते हैं उस जंगल में, फॉरेस्ट में, और नदियों को पार करना पड़ा उनको, पर नदी को पार करके जंगल को, घना जंगल जंगल को पार करके जाना पड़ा उनको। अंत में वे एक पहाड़ के निकट पहुंचकर उस पर चढ़ने लगे। अंत में क्या हुआ, उन्होंने नदियों को पार कर दिया, जंगल को पार कर दिया, अभी जो जंगल है उसके पास, जो पहाड़ है उसके पास पहुंचकर उस पर चढ़ने लगे। उस पर चढ़ने के लिए तो चढ़ना मसा मन, मतलब बच्चों जो उसके ऊपर जाना, मीन्स खाना में बोलते तत्वधो माउंटेन, जो गुड्डवन्नु हत्तुवधो, गुड्डवन्नु हत्तुवधो प्रारंभ माड़ी हो। पर उस पहाड़ पर ऊपर के ऊपर ऊपर की ओर चढ़ना बहुत कठिन था। पहाड़ बहुत बड़ा है, तो बहुत ऊंची तरफ चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, कठिन है उन लोगों के लिए। अनेक बार वे फिसल कर नीचे गुफा में गिर पड़ते थे, जैसे चढ़ते चढ़ते जाते थे और पांव फिसल कर नीचे गिर पड़ते थे, क्योंकि बहुत कठिन था उस पहाड़ को चढ़ने में चढ़ने में। फिर भी उन तीनों ने सांस न छोड़ा, फिर भी उन लोगों ने सांस न छोड़ा, क्योंकि उनको बहुमूल्य पत्थर हासिल करना है, खोजना है उनको और अमीर बनना है। इसलिए उन तीनों ने क्या काम किया, वो जब भी पांव फिसल कर नीचे करते थे, लेकिन फिर भी वो ऊपर चढ़ने के लिए प्रयास करते, छोड़ा नहीं उन्होंने। बराबर एक दूसरे की सहायता करते हुए रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगे। बराबर एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे की सहायता कर रहे थे वो, एक हाथ पकड़ता है, एक ऊपर चढ़ता है, ऐसे करके एक का हाथ एक पकड़कर वो क्या करने लगे, ऐसे माउंटेन को, ऐसे पहाड़ को चढ़ने लगे। चढ़ते गए ऐसे ऊपर, अंततः उन्होंने गुफाओं को खोज निकाला। गुफाओं को खोज निकालना तो नहीं, अंततः कौन सी गुफा है, जो बहुमूल्य पत्थर की गुफा, जो लोगों के मुंह से उन्होंने सुना था, ऐसे गुफाओं को उन्होंने खोज निकाला, सर्च किया। उनके ऊपर से होते हुए वे ऐसी गुफा के नीचे पहुंचे जो सुरंग के समान थी। तो देखिए, जो उनके उनके ऊपर से होते हुए, जो गुफा के ऊपर से होते हुए क्या किया, ऐसी गुफा के में नीचे पहुंचे जो सुरंग समान थी। सुरंग से कहते हैं बच्चों, जो इससे रहता है, उनको में रहता है, और उसके सुरंग पहले समान में क्या होता था, सुरंग के दौरान सुरंग के मार्ग से राजा लोग उसमें से जाकर होते हुए जाते थे, वो इसको ही सुरंग कहते हैं। अब तक वे तीनों बहुत प्यासे हो गए थे, अब तक तो तीनों, क्योंकि इन्होंने सुबह से क्या क्या कर रहे थे, वो सुबह से मोटन चढ़ रहे थे, पहाड़ चढ़ रहे थे, तीनों को बहुत प्यास लगी थी, बहुत थक गए थे, बांधे गए बांधे हुए थे। अतः पानी को पाने की इच्छा से वे उस सुरंग के अंदर की धरती को एक जगह से खोदने लगे। तो पानी को पाने की इच्छा में क्योंकि उनको थर्स्टी लगी है, उनको क्या हुआ है बच्चों, प्यास लगी है, उन प्यास को मिटाने के लिए उनको पानी की जरूरत है। इसलिए पानी की इच्छा से, पानी को पाने की इच्छा से, पानी को पाने की इच्छा से क्या किया, उन सुरंग के अंदर की, तो सुरंग के अंदर की जो धरती है
तभी वो बाहर चलकर आए थे तो वही मिल गया उनको बहुमूल्य पत्थर, तो बहुत प्रसन्न हुए, खुश हो गए। अगर देखिए बच्चों, अगर आपको कुछ ढूंढ रहे हो, अगर वो सामान मिल जाए तो खुशी होती है ना आपको। इसलिए जो क्या ढूंढ रहे थे, अनमोल अनमोल जो पत्थर है, अनमोल जो पत्थर है, उनको वैल्यूएबल जो स्टोन है उनको ढूंढ रहे थे, तो उनको मिल गए। वो पहले किसके लिए खोज रहे थे, वो पानी के लिए, पानी पीने की इच्छा से उन्होंने क्या किया, वो एक जगह से सुरंग के मार्ग को खोदने लगे थे। लेकिन वहां पानी में पानी के बदले में उनको क्या मिला, बहुमूल्य पत्थर मिले उनको, तो बहुत ही प्रसन्न हुए वो। अतः तीनों में से प्रत्येक ने अपने साथ थोड़े थोड़े पत्थर ले लिए, जिनसे कितना हो सकता है उतने उतने इन्होंने पत्थर ले लिया। तत्पश्चात थोड़ा विश्राम कर तीनों अपने रास्ते वापस लौटने के लिए चले गए। तत्पश्चात उसके बाद उन्होंने क्या किया, थोड़ा विश्राम किया, बहुत थके थे, मांगे हुए थे, बाहर चलकर आना थी सबका काम नहीं है, बहुत कठिन का काम है, तो तीनों क्या है बहुत ही टायर्ड हो गए थे। इसलिए उन्होंने विश्राम किया, रेस्ट किया और अपने रेस्ट लेने के बाद अपने रास्ते वापस लौटने के लिए चल गए। वो अपने रास्ते में वापस लौटने के लिए वो वापस चल दिए। जब वे तीनों जंगल के रास्ते में पहुंचे तो वे व्यापारी के पुत्र ने कहा, हमें अपने अपने बहुमूल्य पत्थर छिपा लेना चाहिए। तीनों पुत्र जंगल के रास्ते से पहुंच रहे थे, पहले तीनों ने जंगल के रास्ते से होते हुए और नदी को पार करते हुए आए थे। अभी क्या करना है, फिर से जंगल के रास्ते से जाना है उनको, तो जंगल के जंगल तो बहुत घना है, तो जंगल में पहुंचे तो व्यापारी के पुत्र ने कहा, जंगल से ओरे पार हो रहे थे और वहां उसी वक्त व्यापारी के पुत्र ने कुछ कहा, हमें अपने अपने बहुमूल्य पत्थर छिपा लेना चाहिए, जो भी हमारे पास बहुमूल्य पत्थर है, वैल्यूएबल स्टोर है, उनको क्या करना चाहिए, छिपा लेना चाहिए। मैंने सुन रखा है कि जंगल में चोरी रहते हैं जो आने जाने वाले यात्रियों को लूट लेते हैं, मैंने सुना रखा है। तो व्यापारी के पुत्र ने कहा, जो भी हमारे पास बहुमूल्य पत्थर है उनको छिपा लेंगे, क्योंकि मैंने सुना है, किसी के मुंह से सुना है कि इस घने जंगल में क्या है, चोर है जो आने जाने वालों को लूट कर क्या करते हैं, उनको मारते हैं, वो हमारे पास जो भी रहते हैं उनको छीन लेते हैं, लूट लेते हैं, ऐसे व्यापारी के पुत्र ने कहा। ऐसा सुनकर विद्वान के पुत्र ने कहा, हाँ यदि ऐसा है तो हम तीनों को अपने अपने पत्थर निकल लेने चाहिए। हाँ, तो विद्वान के पुत्र ने कहा, विद्वान तो विद्वान किसे कहते हैं बच्चों, जो इस सबके बारे में जानकार रहता हो, पंडित रहता हो, उसको विद्वान कहते हैं। पहले ही विद्वान का पुत्र है, तो उसने कहा, हाँ हमें ऐसा करना है, यदि ऐसा है तो हम तीनों को क्या करना चाहिए, तो अपने अपने पत्थरों को निकल लेना चाहिए। तो निकल लेना का मतलब क्या है बच्चों, गले के नीचे उतार देना, उसको गले के नीचे उतार देना, तो गले में जाकर नीचे उतार दिया उन लोगों ने। ऐसा करने से पत्थर हमारे शरीर के अंदर होंगे, अगर हम निगल लेंगे, निगलने का मतलब क्या है बच्चों, गले से अंदर उतार देना, और पेट में जाएंगे ना ऐसे निगलने से, तो वो सोचे ऐसा करने से पत्थर हमारे शरीर में रहेंगे, तब कोई भी उसको छुड़ा नहीं सकेगा, कोई भी उनको, हाँ अगर हमारे शरीर में रहेंगे तो कौन चुरा सकता है, किसको पता चलेगा कि हमारे शरीर में पत्थर है, हमारे शरीर में बहुमूल्य पत्थर है, किसी को पता नहीं रहेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, उन सारे बहुमूल्य पत्थरों को, अपने अपने पत्थरों को हम निकल लेंगे। अतः तीनों मित्रों ने अपने अपने बहुमूल्य पत्थर निकल लिए। तीनों मित्रों ने क्या किया, अपने अपने
क्या किया, व्यापारी का वेश बदल धारण किया, बदल लिया उसने, और तीनों मित्रों से मिलकर कहा, मेरे प्रिय मित्रों क्या मैं तुम्हारे साथ रहकर यात्रा कर सकता हूँ? अरे प्रिय मित्रों, मैं व्यक्ति व्यापारी हूँ और मुझे डर लगता है, हाँ इस घने जंगल से डर लगता है, मैं अकेले यात्रा नहीं कर सकता, क्या मैं तुम तीनों के साथ रहकर यात्रा कर सकता हूँ क्या? ऐसे उसने पूछा, पूछा मैं अकेले यात्रा करते हुए डर रहा हूँ क्योंकि इस जंगल में चोर है, तो देखो कैसा कुछ चोर है और बोल रहा है कि इस घने जंगल में चोर है और मुझे अकेले यात्रा करने में डर लगता है, क्या मैं तुम्हारे साथ आगे आकर उसने कहा कि सर्वप्रथम पहले मैंने क्या करो, पहले आप मेरे पेट को काटो।
को चार्ज कर सकते हो। मेरे पेट को पहले कांड कर देखो, अगर तुम्हें दो बुले पत्र मिलेंगे तो उसको क्या करो, और जो तीन बाकी है मेरे दोस्त उनके तीनों की भी पेट काट लूंगा। ऐसे उसने कहा। वो कौन है कहने वाला? चोर, जो उनके साथ रहकर, तीनों मित्रों के साथ रहकर जो यात्रा कर रहा था। अतः जब प्रधान के आदमियों ने चोर का पेट काट कर देखा तो स्वाभाविकता की उनके उनको वहां कुछ न मिला। अतः जब प्रधान के आदमियों ने चोर का पेट कर काट कर देखा तो वहां पर उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि सामान्य स्वभाव है वो, क्योंकि उसने हिडन है तो उनके पेट में कुछ नहीं था। अब प्रधान ने सोचा कि हो सकता है कि इस बार पक्षी गलत बोल रहा हो। तो प्रधान ने सोचा शायद इस बार मेरा कमया पक्षी गलत बोल रहा है। तो इसके पहले भी चोर के पेट को काट कर देखा हमने, उनके पेट में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन बराबर बोल रहा है पक्षी कि इन तीनों के जो इन चारों है उनके अंदर उन्होंने शरीर के अंदर बहुमूल्य पत्थर छिपा रखा है, लेकिन पेट का अंदर देखने से कुछ नहीं मिला उनको। तो वो सोच रहा है क्या शायद हमारा पक्षी जो मेरा पक्षी जो आज है वो कुछ क्या कह रहा है, इसलिए वो गलत बोल रहा है। इस प्रकार प्रधान ने तीनों मित्र को छोड़ दिया और जाने दिया। कारण क्या किया? पहले से तो हमने काम करने का उसमें कुछ नहीं है, तो तीनों के पेट में भी शायद कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा सोचकर उसे क्या किया, माफी मांगकर उनको चारों को जाने दिया। उधर चोर बुरी दशा में पड़ा था, तो क्योंकि पेट को काटा गया है इसलिए उसका उसका हाल बहुत बेहाल हो चुका है, बहुत बुरा हो चुका है और बुरी दशा में है वो। शीघ्र ही तीनों मित्रों ने उसे उठाया और अस्पताल पहुंचाए। शीघ्र ही तीनों ने क्या किया, उसको चोर को उठाया और अस्पताल 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 तक पहुंचाया उन्होंने। कुछ दिनों के पश्चात चोर ठीक हो गया, कुछ दिनों के बाद चोर ठीक हो गया। अब चारों अच्छे मित्र हो गए, चारों क्या हो गए, अच्छे मित्र बन गए। चोर ने चोर के द्वारा उनको प्रधान के दंड से बचाने के लिए वे तीनों बहुत अधिक भाग आए थे चोर के द्वारा। हाँ, चोर ने क्या किया था, तीनों को बचा लिया था। अगर वो आगे आकर बचाई नहीं होता तो अगर किसी तीनों में से अगर एक का पेट काट कर देता होता तो कुलकुली पत्थर मिल जाते तो तीनों फंस जाते, तीनों के ही जीव भी जा सकता था ना। इसलिए उन्होंने क्या किया, चोर ने उसको हेल्प किया है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, तीनों मित्र उस चोर को धन्यवाद बार बार धन्यवाद दे रहे हैं। चोर भी तीनों मित्रों के प्रति बहुत अधिक कृतज्ञता कि उसके अपने पूरे जीवन में कभी किसी ने इतना प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया हो। तो चोर ने भी तीनों मित्रों के प्रति बहुत आभारी व्यक्त कर रहा है, क्योंकि किसी ने भी क्या मालूम है कि चोर अगर किसी को मालूम होगा कि कोई चोर हमारे साथ है तो कोई भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, लेकिन तीनों को मालूम नहीं था चोर नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, अच्छे से प्रेम पूर्वक व्यवहार किया उसके साथ और अपने साथ ही यात्रा करने के लिए उन्होंने मान लिया। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, चोर उन तीनों मित्रों को धन्यवाद दे रहा है। जो तीनों मित्रों से क्या है, क्या प्रेम पूर्वक बात कर रहा है और क्या कर रहा है, मित्र बन गया है। अब चारों एक साथ रहने लगे। तीनों मित्रों के साथी साथी चोर के परोपकार और त्याग ने तीनों मित्रों के मन में यह विश्वास उत्पन्न कर दिया कि वह उनके साथ एक सच्चा और अच्छा यात्री सिद्ध हुआ। चारों देखो एक साथ रहने लगे, चारों मित्र रहने लगे और तीनों मित्रों के साथी चोर के परोपकार को और त्याग ने तीनों मित्रों के मन में यह विश्वास उत्पन्न कर दिया कि वह उनके साथ एक सच्चा और अच्छा यात्री सिद्ध हुआ। देखो चोर भी उनके साथ रहकर क्या हुआ, वो भी अच्छा बन गया, परोपकार बन गया, अच्छा बन गया। कुछ देखिए शिक्षा, परोपकार से भी अपना जीवन हम सुधार सकते हैं, इस प्रकार भी मित्र भाव और भाईचारा अपना सकते हैं। देखिए बच्चों इसकी इस पाठ से क्या सीख मिली, एक चोर भी रहे या बुरा व्यक्ति भी रहे अच्छे व्यक्ति के साथ मिलकर वो भी अच्छा बन सकता है ना। अभी देखिए बच्चों कोई भी आपको उपकार करे उनके उपकार को नहीं भूलना चाहिए, उनको थैंक यू कहना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए। और जब भी वो कष्ट में रहेंगे, जब कठिनाई में रहेंगे, उनको क्या करना चाहिए, हमें हमें भी सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर पाठ खत्म हुआ, तो अभी हम क्या करेंगे, शब्द को आपको पढ़कर सुनाऊंगी। आभारी, उपकार मानने वाला, कृतज्ञ, असहमत, ग्रेटफुल, अपडेट, आरंभ, शुरुआत, प्रारंभ, बिगिनिंग, अंततः, अंत में, आखिरदार, आखिरकार, फाइनली, एट लास्ट, उत्पन्न करना, पैदा करना, जनित करना, टू प्रोड्यूस, कर्कश, कठोर, हार्ड, हार्श, गुप्तचर, जासूस, बेदिया, इंडक्टिव, स्पाई, घना, गहरा, पेड़ों का जंगल, थिक, डेंस, घना, चौंधियाना, चकाचौंध होना, बिजली का चमकना, फ्लैश, टू बी डेजल, तत्पर
इसका मतलब जो प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई करना है। अगर आप एक बार हार जाते हो, लेकिन देखिए वो उन्होंने क्या किया, चढ़ना शुरू कर दिया, माउंटेन को चढ़ना शुरू कर दिया पहाड़ को, और पहाड़ चढ़ते चढ़ते उनके पांव फिसल रहे थे, नीचे गिर रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा, कोशिश नहीं छोड़ा उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया, बार बार चढ़ने की कोशिश किया और अपने जो मंजिल तक पहुंच गए। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर बच्चों अगर अंक प्राप्त करने में आपको अगर नहीं हो रहा है, कम ले रहे हो मार्क्स, तो क्या करना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। बार बार पढ़ने से आप अपने मंजिल तक जा सकते हैं, हमारे अपने दिमाग में वो घुसेगा आराम से। तो क्या करना चाहिए बच्चों, जब अगर एक बार अगर आपको कम अंक मिलेंगे, कम अंक आप प्राप्त करेंगे, तो फिर भी आपको क्या करना चाहिए, कोशिश जारी रखना चाहिए। अगर वहीं पर आप रुकोगे, इससे नहीं होगा, आई कांट ऐसे कहोगे, तो कुछ नहीं होगा बच्चों। हमेशा अपने मन में, अपने दिमाग में आई कांट रहना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो आपने आप आराम से क्या कर सकते हो, अपने मंजिल तक जा सकते हो। तो बच्चों पाठ और पूरे मैंने शब्दार्थ को पूरा किया है। अभी हम क्या करेंगे, पाठ पर में जो भी मौखिक कार्य है, मौखिक कार्य को मैं क्या करूंगी, बोल बोल दिखाकर आपको समझाऊंगी। तो चलिए बच्चों, वे इस प्रकार का जीवन जी रहे थे।
देखिए बच्चों मौखिक कार्य में दो प्रश्न और उत्तर के साथ लिखा है मैंने मौखिक कार्य वे तीनों मित्र किसके पुत्र थे वे तीनों मित्रों में एक राजा का पुत्र राजकुमार दूसरा एक विद्वान का पुत्र तथा तीसरा एक धनी व्यापारी का पुत्र था वे किस प्रकार का जीवन जी रहे थे वे बिना किसी चिंता के अपने जीवन को मौन मस्ती से जी रहे थे तो बच्चों दो प्रश्न और उत्तर के साथ लिखाया है अभी प्रश्न घर के लिए जाने के लिए देखो एक जगह से खोल देंगे तो बच्चों दो प्रश्न उत्तर इसके साथ उत्तर सही में लिखा है कौन अपनी बात की बात सोच रहा है बताओ कहां तीनों मित्र एक जगह बैठकर अपनी बात की बात सोच रहा है Gracias.
जो अंक कहते हैं हम वृक्ष को उत्तर के साथ लिख लेंगे। पानी के बदले में क्या मिला? उत्तर में उन्हें पानी के बदले में क्या मिला बच्चों? बहुमूल्य पत्थर मिले। पानी के बदले में पत्थर मिले। कष्ट छह व्यापारी के पुत्र ने बहुमूल्य पत्थरों को छिपाने के लिए क्यों कहा? व्यापारी के पुत्र ने छिपाने के लिए कहा, क्योंकि जंगल में चोर भी है।
चोर ने किसकी और देखिए प्रश्न क्या है, चोर ने किसकी और कौन सी बात सुनी। उत्तर चोर ने तीनों मित्रों की बातें सुनी। बातों से चोर को यह पता चल गया कि चोर को पता चला कि तीनों मित्रों को पता चला कि उनके पास क्योंकि क्योंकि उनको पता नहीं था कि वह चोर है। चोर को अपने साथ क्यों लिया। उत्तर जब तीनों मित्रों ने चोर को अपने साथ लिया क्योंकि उनको पता नहीं था कि वह चोर है। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, लिखित कार्य लिखेंगे। दो लिखित कार्य
कोई चिंता थी? जाने के लिए सावधान किया। और अब वे और वह उपाय
अपने बाल को भरने के लिए Thank you.
केलंग यात्रा करते हुए चोर है तो बच्चा देखिए कार्य प्रश्न किया व्यापारी के पुत्र की बात सुनकर विद्वान के पुत्र ने कहा कि हाँ यदि ऐसा है तो हम भी को अपने अपने पत्र निर्णय लेना चाहिए। प्रश्न दिया चोर ने तीनों मित्रों से मिलकर क्या कहा? प्रश्न उत्तर दिया चोर ने तीनों मित्रों से मिलकर यह कहा कि मैं अकेला यात्रा करते हुए डर रहा हूँ क्योंकि इस जगह में चोर है। अभी हम क्या करेंगे आगे का अपने प्रश्न में शाला लिखेंगे। गुप्तचर पक्षी के बार बार करने का क्या परिणाम हुआ? गुप्तचर पक्षी के
क्या है? छोटे पेड़ से कुछ न मिलने पर प्रधान ने सोचा, प्रधान ने भी सोचा कि
पुत्र को छोड़ दिया और उन्हें जाने दिया। आज का पाठ खत्म हुआ। कल भी जो आगे का अभ्यास कार्य है बहुमूल्य पत्र का।